All right, hi everyone, good morning. Yeah, hi Vartik, good morning Harsh, hi Chitraksh, hi Riya, hi Dhruv. तो कल हम लोग POAC का डिस्कशन कर रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. ठीक है, उसका मैं एक बार क्विक रिकैप करा देता हूँ. हम लोग जो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन POAC में, व्हाट इज इट दैट वी हैड सेड, दैट इन केस वी आर नॉट एबल टू राइट अ कंप्लीट रिएक्शन और वी आर नॉट एबल टू बैलेंस द रिएक्शन, ये मेथड हमारे काम आता था. और इस मेथड में हमें क्या करना होता था, ठीक है, हम लोगों ने एक एग्जांपल के थ्रू भी देखा था, एक एलिमेंट के एटम्स को कंजर्व करना होता था टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. सो ये वाला जो एग्जांपल हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, इसमें एज पर द क्वेश्चन K2CO3 से ये कंपाउंड बन रहा था सच दैट ऑल द कार्बन हेयर वॉज कन्वर्टेड हेयर. सो यहाँ पर वी अप्लाइड POAC ऑन कार्बन. Right, moles of carbon on left hand side were made to be equal to the moles of carbon on the right hand side. And then how much would be the carbon? Carbon on left hand side per K2CO3 mein present tha, right hand side per is bade wale compound mein present tha. So hum dono ne usme kitna carbon hoga wo nikalne ke liye kya kara? Moles of compound ko 1 se multiply kara kyunki uske molecular formula mein ek hi carbon hai. And right hand side per ye jo bada wala compound hai usko 12 se multiply kara. उसके मोल्स को, क्यों? क्योंकि उसके एक मॉलिक्यूल में 12 कार्बन के एटम्स हैं. सो विद दिस वी शुड बी एबल टू गेट द मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एंड उनको इक्वेट करके वी एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. राइट, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे और अप्लाई करेंगे इन सम मोर क्वेश्चंस. तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन एक रेडी है. ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज समथिंग जो हम लोगों ने पहले भी करा हुआ है क्लास में, इफ यू रिमेंबर. हाँ हाँ, मैं लास्ट क्लास का एक्चुअली रिकॉर्डिंग और वो सेंड नहीं कर पाया था. आई हैड सम अदर वर्क टू अटेंड टू, वो मैं भेज दूंगा आप लोगों को, लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग एज वेल एज द नोट्स भी. अभी यहाँ पे आप फोकस करो, इस वाले क्वेश्चन को मैंने पहले सीरीज रिएक्शन के मेथड से भी करवाया था एज वेल एज आज आई एम गोइंग टू आस्क यू टू डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड अपॉन अनदर मेथड, POAC मेथड. ठीक है, दोनों से ट्राई करो. पहले तो आप फटाफट सीरीज रिएक्शन, ये दो रिएक्शन होंगी, एक ये रिएक्शन फॉलोड बाय दिस रिएक्शन, इससे आप इसको आंसर करने की कोशिश करो. एंड देन POAC से कैसे करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा. सीरीज रिएक्शन से कैसे होता है ये तो हम लोग देख चुके थे पहले. हाँ, आंसर करेक्ट है गार्गी आपका. तो सीरीज रिएक्शन से यू रिमेम्बर हम लोग रिएक्शन बाय रिएक्शन जाते थे. पहला रिएक्शन था पोटेशियम क्लोराइड से हमने KCl और O2 बनाएंगे और इसका एक मोल रहेगा. तो इसके एक मोल से कितना मोल्स O2 का बन रहा है? 3/2. अब वो एज इट इज नेक्स्ट रिएक्शन में कैरी फॉरवर्ड करते हैं. राइट, यहां पर कैसा बोला जा रहा है, एल्यूमिनियम तो एक्सेस बोला जा रहा है ना, और ऑक्सीजन ऊपर से कैरी फॉरवर्ड करके 3/2 है. तो हम लोग इसके हिसाब से बता देते हैं कितना Al2O3 बनेगा. सो 3/2 मोल से 1 मोल बन जाएगा. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट आवर आंसर वाज. अब मैं आपको कह रहा हूं कि यही आंसर आप मुझे POAC के पर्सपेक्टिव से भी बता सकते हो क्या? कैन यू थिंक ऑफ गेटिंग दिस आंसर फ्रॉम अ POAC पर्सपेक्टिव?
कौन सा एलिमेंट कंजर्व हो रहा है? ऑक्सीजन. परफेक्ट. तो यहां पर व्हाट यू आर सीइंग इज KCLO3 से जितना भी ऑक्सीजन है वो Al2O3 में जा रहा है थ्रू सम रिएक्शंस. I don't need to write them completely or balance them. I can still establish the relationship between these two. ठीक है, इसका मुझे बोला जा रहा है एक मोल है और मुझे पूछा जा रहा है इसका कितना अमाउंट रहेगा. राइट, तो POAC अप्लाई कर पा रहे हो आप? हाँ, करेक्ट. 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 वुड बी इक्वल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ Al2O3. ऑक्सीजन के ऊपर अपन ने POAC अप्लाई करा और आपका आंसर आ गया. राइट, इज दिस क्लियर? कैसे करा इसको? Yes. Sure. All right. Good. ये वाला क्वेश्चन बताओ. I think ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम लोग पहले तीन चार तरीके से करना सीख चुके हैं. Do you remember this? लास्ट वीक ही डिस्कस किया था अपन ने. कैन यू नाउ ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग POAC मेथड? All right. कैसे करेंगे इसमें? What is the element that you should apply POAC upon? दिख रहा है आपको X के ऊपर apply करना है, like X से X2O5 बन रहा है. अब कैसे बन रहा है? Maybe you don't know the reaction. ठीक है, बस इतना लिखा हुआ है कि pure X produces X2O5. अब हो सकता है कि उसको पानी में डालने से हो रहा हो या उसको ऑक्सीजन के साथ में हीट करने से हो रहा हो. राइट, या फिर उसको किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराने पर हो रहा हो. वी डोंट नो. ठीक है, पहले तो हमने अज्यूम कर लिया था ना, पहले भी अज्यूम्ड सेइंग दैट यू नो मे बी ऑक्सीजन के साथ में मिलाने पर X2O5 बन रहा है और फिर हमने
सॉल्विंग भी करी थी, बट लेट्स से अगर हमें नहीं पता है रिएक्शन, वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, तो हम लोग इतना बोल सकते हैं कि x से H2O5 तो बन रहा है, दैट इज इट व्हाट वी आर गेटिंग नाउ. अब उससे कितना बन रहा है वो हमें वर्कआउट करना है, वो हमें फिगर आउट करना है, राइट. तो वी अप्लाई POAC ऑन x, इससे क्या इक्वेशन बन जाएगी, क्या रिलेशनशिप आ जाएगा बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. 1 into moles of x should be equal to 2 into moles of x2O5. है कि नहीं? Yes, sir. One into moles of x should be equal to 2 into moles of x2O5. अब मैंने यहाँ पर moles जो है वो mass upon molecular weight के terms में लिख लिया है, और मेरा molecular weight आ जाएगा और मेरा moles solve हो जाएगा. Is that clear? समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? So this becomes almost same as the method of stoichiometry plus mass mole relationship, no? That we discussed in the doubt discussion. हाँ. वो यही कह रहा था ना कि जितना x left hand side पर है उतना x right hand side पर होगा, उसी तरीके से वही चीज है. ऐसा क्वेश्चन में लिखा नहीं है हर्ष दैट एक्स इज गेटिंग कंजर्व, और ऐसा बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनमें नहीं भी लिख के आएगा कई बार, ठीक है. उसकी लैंग्वेज से आपको समझना पड़ेगा, लैंग्वेज आप देखो ना लैंग्वेज कैसी लिखी हुई है, दैट इट इज फाउंड दैट 2.0769 ग्राम्स ऑफ प्योर एक्स प्रोड्यूसेस दिस मच ऑफ प्योर X2O5. मतलब ये जो x है इससे ये बन रहा है, यानी कि ये जो x है पूरा का पूरा इधर जा रहा है, ठीक है. एंड यू आर राइट टू से कि सर ये क्लियर नहीं है, एंड ऐसा होगा कई बार होगा. जैसे मैं आपको एक दो और एग्जांपल कराता हूँ, यहाँ पे नोटिस करना. ये लिख लिया सबने, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल कराऊं मैं? ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप नोटिस करना, ठीक है. लेट मी एक्चुअली रब द आंसर फर्स्ट, ठीक है. अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार रीड करके आप ट्राई करो. ठीक है सर, आपने जब ये क्वेश्चन पढ़ा, हाँ पूर्वावर्तिक चित्राक्ष आपका आंसर सही है, या आपने जब क्वेश्चन पढ़ा, हाँ राइट गार्गी राइट दिव्य, तो आपको लाइक एक बार के लिए समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है,
ठीक है, जैसे मैं अगर आपकी जगह होगा तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे रीड करूंगा, 8 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न टू फॉर्म SO2, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, सल्फर प्लस O2 इज गिविंग SO2, ठीक है, ये रिएक्शन हो रहा है, विच इज ऑक्सीडाइज बाय क्लोरीन वाटर. अब आई डोंट रियली नो व्हाट क्लोरीन वाटर मीन्स, सो SO2 प्लस क्लोरीन वाटर और कुछ ऑक्सीडाइज फॉर्म प्रोड्यूस हो रहा है, आई रियली डोंट हैव एन आइडिया कि क्या हो रहा है. फिर उसके बाद बोला जा रहा है द सोल्यूशन इज ट्रीटेड विद BaCl2 एंड उससे BaSO4 बन रहा होगा, उसका अमाउंट पूछा जा रहा है, तो जो भी सोल्यूशन था ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म का उसका BaCl2 के साथ रिएक्शन कराकर BaSO4 का प्रेसिपिटेट करा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कितना बेरियम सल्फेट बन रहा है, ठीक है. सो आफ्टर रीडिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन मैं इतना इन्फर कर पाया, ठीक है, बट आफ्टर डूइंग ऑल दिस मतलब आई स्टिल डू नॉट हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ रिएक्शन. कुछ हो रहे हैं सीरीज रिएक्शन एक के बाद एक और मुझसे स्टार्ट से एंड में जाना है, बट इफ आई फॉलो द ओल्ड मेथड दैट आई हैड लर्न, उसमें क्या होता था, आई गो रिएक्शन बाय रिएक्शन और ईच रिएक्शन का मुझे बैलेंस्ड फॉर्म पता होता था, फिर मैं उससे नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट ऐसे हॉप करता रहता था, राइट, दैट इज हाउ आई यूज टू वर्क. बट डू यू थिंक यहां पर आई विल बी एबल टू डू दैट, यहां पर मतलब मुझे इक्वेशन ही नहीं पता है क्या है, तो व्हाट इज इट दैट शुड कम एज द फर्स्ट थॉट इन माय माइंड, नहीं वो ठीक है आंसर तो आपको है तो ठीक है चलेगा, आई डोंट माइंड, पता भी पड़ गया तो इट्स ओके, बट द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू माई माइंड इज दैट पीओएसी लगाना पड़ेगा. अच्छा अब किस एलिमेंट पर पीओएसी मैं लगाऊं, व्हाट इज द एलिमेंट दैट आई शुड अप्लाई पीओएसी ऑन, मैं यही देखूंगा ना कि जो दिया जा रहा है और जो पूछा जा रहा है उसके बीच में क्या कॉमन है. तो मुझे एक ही एलिमेंट दिख रहा है दैट इज सल्फर, ऑल्दो क्वेश्चन में ऐसा स्पेसिफिकली नहीं लिखा है दैट सल्फर कंजर्व हो रहा है, ऐसा लिखा है क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं पर कि दैट जितना सल्फर है वो पूरा का पूरा यहाँ कंजर्व हो रहा है, ऐसा लिखा तो नहीं है. नो सर. बट देन डू आई हैव एनी अदर चॉइस, लाइक डू आई हैव सम अदर ऑप्शन टू सॉल्व, फिर तो मैं अटक गया ना, देन आइदर आई राइट दैट द आंसर इज ऑप्शन ई डेटा इनसफिशिएंट, बट वैसा तो कुछ ऑप्शन दिया नहीं है, इनफैक्ट कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज ही दिए हुए हैं, तो आंसर तो निकालना है. तो अब मेरे पास में एक आइडिया यही रहेगा कि सल्फर पर पीओएसी अप्लाई करके देख लेते हैं, अगर आंसर मैच करता है किसी ऑप्शन से तो बहुत अच्छा है, देन वी आर थिंकिंग ऑन द राइट डायरेक्शंस. तो हम लोग अप्लाई करते हैं सल्फर पर पीओएसी अप्लाई करते हैं, मोल्स ऑफ सल्फर ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्फर ऑन राइट हैंड साइड. सल्फर की तरह यहाँ पर एस के अंदर, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर एस एक्स भी यूज करना था, ठीक है, तो भी मैं कैसा लिखूंगा यहाँ पर, लाइक आई विल राइट X into moles of SX, है ना, और इसका ये X का वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो मैंने एक्चुअली X इसलिए डाला बिकॉज सम स्टूडेंट्स हैड आस्क्ड मी दिस डाउट कि सल्फर सर S क्यों है, S2 क्यों नहीं हो सकता, S4 क्यों नहीं हो सकता, S8 क्यों नहीं हो सकता, ले लो भाई आपको जो मन में आया वो ले लो, आई डोंट माइंड, माय आंसर वोंट चेंज. ठीक है, तो इससे मेरा आंसर आ जाएगा 0.25 मोल्स. समझ में आया कैसे करना था ये वाला क्वेश्चन? आपको ऐसा नहीं मिलेगा दिव्य, आपको ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा डेटा इनसफिशिएंट वाला,
नहीं, सल्फर का तो 8 ग्राम दिया है ना, 8 ग्राम दिया है सल्फर, वो यूज करा ना मैंने। हाँ हाँ मैं अगला क्वेश्चन वही कराऊंगा पूर्वा आपको। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ऑलराइट, अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, ऑन द सेम लाइंस जैसा अभी हमने सोचा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो। ठीक है, क्या होता है वर्ड्स रिएक्शन, क्या होता है मोनोब्रोमिनेशन, राइट? ये सब नहीं पता, मतलब पता पड़ेगा अगर आप बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो। इनफैक्ट आई थिंक आईसीएससी के बच्चों ने शायद ये 9th या 10th क्लास में पढ़ा भी होता है। ठीक है, बट लेट्स से अगर नहीं पढ़ा है तो फिर कैसे वर्क करेंगे इसके साथ में? अच्छा, यहां पर आपको लग रहा है दो एलिमेंट्स के बीच में चॉइस है पीओएसी लगाने की, कार्बन लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी है, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पर भी है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया कि पीओएसी लगाना है, राइट? और दूसरी चीज आपके सामने ये है दैट यहां पर अपार्ट फ्रॉम पीओएसी देर इज अ परसेंटेज यील्ड का कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ठीक है, तो दोनों का ध्यान रखेंगे। और एक यहाँ पे चीज, एक पॉइंट याद रखना दैट वी विल इन जनरल अवॉइड अप्लाइंग पीओएसी ऑन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर लेट्स से चॉइस ऐसे आती है,
मल्टीपल एलिमेंट्स की, और क्वेश्चन में ऐसे अच्छे से लिखा नहीं है कि कौन सा एलिमेंट कंजर्व हो रहा है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल अवॉइड अप्लाइंग पीओएसी ऑन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है? कार्बन के ऊपर यहाँ पीओएसी लगाएंगे। क्या इक्वेशन बनेगा कार्बन के ऊपर पीओएसी लगाने पर? कार्बन ऑन लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू कार्बन ऑन राइट हैंड साइड, है कि नहीं? दिस इज व्हाट पीओएसी लुक्स लाइक। हाउएवर यू विल हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज यील्ड ओवर हियर नाउ। This is the concept of percentage yield which you'll have to combine with POAC. That pura ka pura carbon on the left hand side is not going on to right hand side. Jo left hand side ka carbon hai, uska 90% aur fir uska 85% right hand side mein ja raha hai. Abhi samajh mein aaya? Yield ka concept kaise combine karna hai is reaction ke andar? POAC के अंदर है ना? तो अभी मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, व्हाट शुड बी द आंसर नाउ? हाँ आ रहा है, आपका आंसर करेक्ट है। हाँ राइट हर्ष, आपका भी आंसर करेक्ट है। हर्ष, हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर इसलिए अवॉइड करते हैं पीओएसी अप्लाई करना बिकॉज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर वेरी कॉमनली फाउंड एलिमेंट्स, ठीक है, इन कंपाउंड्स। तो क्या होगा, देयर इज अ चांस कि और भी एलिमेंट्स में से या कंपाउंड में से एच या ओ बीच में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। मतलब हो सकता है कि हाइड्रोजन बीच में ऐड हो रहा हो किसी और कंपाउंड के थ्रू, या फिर कोई साइड प्रोडक्ट में एच निकल रहा हो कोई और प्रोडक्ट के फॉर्म में, राइट? तो इसीलिए उन पर पीओएसी अप्लाई करना रिस्की है। So if you have a choice, then advice is to avoid applying POAC on H or O. समझ में आया? All right. तो इस पे अब आप अप्लाई कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू मोल्स ऑफ C2H6 मल्टीप्लाइड बाय द परसेंटेज यील्ड शुड बी इक्वल टू 4 इंटू मोल्स ऑफ C4H10। एंड देन मोल्स को आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.4 एट NTP, उससे आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है? इज दिस क्लियर? Around 55.5 liter aata hai, yes. This comes out to be around 55.5 liters. Is this clear with everyone? Kaise apply karna hai POAC ka concept? Samajh mein aa raha hai aapko? Sir, I have a doubt. Haan, bolo. It's a bit lengthy, but like, can we do like C4H10 is like 55 grams, so then expected yield of C4H10 would have been like. अब हम लोग start से end की जगह आप बोल रहे हो end से start जाएं. Yeah. हाँ हाँ बिल्कुल, why not? Okay. Of course, you can very well go ahead and do that. ठीक है, so with this, अब आप एक quick summary समझ लेना that हम लोगों ने पिछले 5-6 classes में
स्टोइशियोमेट्री पर फोकस करा है एंड कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को एनहांस करा है। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टोइशियोमेट्री आपको सिखाया, बताया, समझाया, तो वी डेल्ट विद वेरी वेरी सिंपल रिएक्शंस। मतलब मैंने आपको एक रिएक्शन भी दे दिया, उसमें बता भी दिया कि ये बैलेंस्ड फॉर्म है, ठीक है, या फिर आपसे बैलेंस करवा लिया, और फिर उसमें बोला कि यू नो कितना रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा या कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट लगेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राइट। फिर मैंने थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आपके लिए बढ़ाया और हम लोगों ने सीरीज रिएक्शन के बारे में नोटिस किया। सीरीज रिएक्शन में क्या होता था, एक के बाद एक रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, वो हमने पकड़ी, और कैसे उनको कनेक्ट करना है, कैसे उनको एनालाइज करना है, वो भी देखा हमने, राइट। इसमें केयरलेस मिस्टेक जो अवॉइड करनी होती है वो क्या करनी होती है, वी यूज कोएफिशिएंट्स ओनली विद इन द रिएक्शन, राइट, कितने से कितना बनेगा, बट अक्रॉस रिएक्शंस अगर जाना है, फर्स्ट से सेकेंड थर्ड रिएक्शन जाना है, तो उसमें हम लोग एज इट इज पूरा का पूरा अमाउंट ऑफ दैट स्पीशीज कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना। देन फिर उसके बाद मैंने आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाया, वी इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। और कैसा था इसमें, एक सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट में, क्वेश्चन में लिख कर नहीं आएगा whether it is a case of limiting reagent or not, ये आपको खुद से ही identify करना पड़ता है, and that is where I helped you develop a method for solving questions. क्या method था वो, step one, write down the reaction, step two, calculate the moles of reactants, step three, identify whether it is a case of limiting reagent or not by calculating stoichiometric ratio, right? Moles upon coefficient, moles upon coefficient से हम लोग identify करते थे कि limiting reagent का case है कि नहीं है, right? अगर वो बराबर नहीं है तो जिसका stoichiometric ratio कम होता है वो हमारा limiting reagent हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में step was to analyze the reaction. ये format of analysis बहुत important था, सबको ये format अब चमकने लग गया है। Start, reacted, produced and end वाला format जो था, it helps you put your analysis in a structure. Sometimes you remember इस analysis के लिए we had data, sometimes we didn't have data. हम variables के terms में भी analysis करके लिख लेते थे, because it helped us get clarity कि आखिर question में हो क्या रहा होगा, ठीक है। कभी data के form में ये एनालिसिस करते हैं, कभी वेरिएबल्स के फॉर्म में भी एनालिसिस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने का नहीं है। जब ये एनालिसिस हम लोग पूरा कर लेते हैं उसके बाद वी री रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फॉर्म इक्वेशंस टू सॉल्व द वेरिएबल्स, ठीक है। एंड आई थिंक इनफ क्वेश्चंस में ये एनालिसिस मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है, दिस इज लाइक अ फॉल बैक मेथड, ठीक है। दिस फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस इज योर फॉल बैक मेथड, कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन में क्या करना है कैसे करना है तो आप इस फॉर्मेट पे रिलाय कर सकते हो, यू कैन ट्राई इट आउट, ठीक है। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। देन मैंने आपको पैरेलल रिएक्शंस का भी एक केस करवाया था, ठीक है। इसमें कैसा होता था, सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स जो थे वो अलग अलग रिएक्शन कर रहे थे, एंड इसमें जो मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया था वो बताया था That, इसको आप कंबाइन करके तभी सॉल्व करना जब आपको आइडिया हो कि प्रोडक्ट्स किस रेशियो में फॉर्म हो रहे हैं, अदरवाइज यू सॉल्व देम सेपरेटली। सर अगर रेशियो का आइडिया नहीं है अगर वेरिएबल्स के टर्म्स में ले तब ये मेथड यूजफुल है हमेशा, मतलब एक्स और वाई आपने जो बताया था, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हो, ओके, ठीक है। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है वो, बट डेफिनेटली आंसर देगा।
देन उसके बाद में मैंने आपको कराया था केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन, ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था. क्यों? क्योंकि इसके पहले जितने भी रिएक्शंस अपन देख रहे थे उसमें भी नेवर बॉदर्ड अबाउट दिस फैक्ट कि रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हम लोग ये अज्यूम करते थे कि रिएक्शन कंप्लीट ही हो रहा है, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट था वो पूरा का पूरा कंज्यूम ही हो रहा है. बट देन वी डिड कम अक्रॉस सर्टन एग्जाम्पल, सर्टन केसेस जहां पर लिमिटिंग रिएजेंट भी पूरा कंज्यूम नहीं होता है, राइट? एंड वो भी कैसे पता पड़ता है? समटाइम्स तो क्वेश्चन में लिख के आ जाता है कि यू नो फलाना फलाना रिएक्शन का 50% यील्ड है या 30% यील्ड है, या फिर क्वेश्चन में ही पूछ लेते हैं कि इस रिएक्शन का यील्ड बताओ, कितना परसेंटेज कंप्लीट हो रहा है वो बताओ. तो उसमें तो डायरेक्टली बता दिया क्वेश्चन में कि यू नो इनकम्प्लीट रिएक्शन का केस है. अदरवाइज कुछ अगर ट्रिकी सा क्वेश्चन होगा तो उसमें यू योर सेल्फ वुड हैव टू डिसाइफर कि वेदर द रिएक्शन इज कंप्लीटिंग और नॉट. ठीक है, वो कैसे डिसाइफर करा था आपने? याद हो तो वो एग्जांपल मैंने बताया था, उसमें आपको देखना था लिमिटिंग रिएजेंट से कितना प्रोडक्ट बन रहा है, उतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दोज वर सम वेज इन विच यू हैड प्रोसीड, यू हैड टू प्रोसीड. ठीक है, एंड देन फिर मैंने आपको आखिरी में ये पीओएसी का कॉन्सेप्ट बताया, समझाया. पीओएसी का कॉन्सेप्ट क्या था? दैट इन सब ऊपर वाले केसेस में रिएक्शन का नॉलेज होना जरूरी है. इफ यू डोंट नो द रिएक्शन देन यू कांट इवन सॉल्व एनी ऑफ दीज एग्जाम्पल्स जो मैंने ऊपर आपको बताए थे. बट लेट से अगर आपको रिएक्शन नहीं भी पता है तो भी समटाइम्स अ मेथड कैन हेल्प एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विच इज कॉल्ड एज पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. इसमें चॉइस ऑफ एलिमेंट किस पर पीओएसी लगाना है वो क्रूशल होता है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के ही समझ में आता है. ठीक है, समटाइम्स इट इज वेरी क्लियरली मेंशनड इन द क्वेश्चन कि यू नो इस एलिमेंट पर पीओएसी लगाओ. समटाइम्स बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड दैट कॉमन एलिमेंट एंड देन बिकॉज नन ऑफ द अदर ऑप्शंस आर लेफ्ट तो हम लोग फिर उस पर पीओएसी अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, सो दिस कवर्स अ लॉट ऑफ वेराइटी फॉर यू ऑफ हाउ द क्वेश्चन आर गोइंग टू बी. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस में लाइक इनमें से कोई एक ही कॉन्सेप्ट, या फिर याद है जो इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स अपन ने पढ़े थे बिफोर स्टोइकोमेट्री, व्हाट वर सम ऑफ द इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स? ठीक है, बहुत सारी लिस्ट थी, अब मैं सबके सब नहीं मेंशन करूंगा यहाँ पर. परसेंटेज मास मोल रिलेशनशिप हमने देखा था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमने लिखा था, परसेंटेज प्योरिटी, एवरेज मॉलिकुलर वेट, बहुत सारे इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट हमने देखे थे. ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन अब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आप नोटिस करोगे कि इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, किसी में कोई एक कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, किसी में दो कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट, चार कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई हो रहे हैं, राइट? तो जैसे मैंने आपको ऐसे केस क्वेश्चन भी कराए थे जिसमें सीरीज रिएक्शन और लिमिटिंग रिएजेंट का केस था. ठीक है, फिर ऐसे भी क्वेश्चन कराए थे जिसमें सीरीज रिएक्शन, लिमिटिंग रिएजेंट एंड केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन का भी केस था. याद है लास्ट क्लास में प्रैक्टिस करे थे अपन ने. अभी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल कराए पीओएसी के, राइट, प्योर पीओएसी बेस्ड. फिर मैंने लास्ट वाला जो एग्जाम्पल कराया वो कैसे करा दिया, वो पीओएसी और केस ऑफ इनकम्प्लीट रिएक्शन को कंबाइन करके करा दिया, परसेंटेज यील्ड को. ठीक है, सो यहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी दैट इजी क्वेश्चंस अपनी जगह है. इजी क्वेश्चंस आप एनीवेज धीरे धीरे आंसर कर ही लोगे, उनमें इतनी फाइट नहीं होगी. डिफिकल्टी आती है थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कंबाइन हो रहे होते हैं, राइट? अगर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कंबाइन हो रहे हैं तो आपको वो स्ट्राइक होने चाहिए दैट इसमें ये कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो सकते हैं. ठीक है, और वो चीज, वो जो एक टैलेंट है, वो जो एक नैक है, वो आप तभी डेवलप कर पाओगे व्हेन यू डू दिस मैपिंग एक्सरसाइज. ठीक है, यू मस्ट मैप these concepts to the questions that you are practicing.
ठीक है, अभी तक आई एम नॉट श्योर इफ यू वुड हैव बीन मैपिंग देम, ठीक है, बट मैं आपसे यही इंसिस्ट करूंगा कि अब आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो, उनको अटेम्प्ट करना शुरू करते हो, तो ट्राई टू मैप देम टू दीज कॉन्सेप्ट्स जो आपने क्लास में पढ़े हैं, ठीक है, आपको स्ट्राइक होने लगेगा कि कैसे डॉट्स कनेक्ट करने हैं, कैसे आगे बढ़ना है, एंड डेफिनेटली दिस फॉर्मेट ऑफ एनालिसिस इज गोइंग टू बी अ रियली रियली इंपॉर्टेंट मेथड फॉर यू टू आंसर दोज क्वेश्चंस जहां पर यू गेट स्टक. Start, reacted, produced. Don't hesitate to take variables. Then use those data given in the question to form equations regarding those variables. ठीक है, इतना summary, इतना recap clear है सबको? कैसे work करना है? ठीक, तो अब आप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखोगे, करोगे, ठीक है. मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कराने में भी इंटरेस्टेड हूं, ऑल्दो वैसे तो आप होमवर्क में करोगे इसे ही प्रैक्टिस. ठीक है, हम लोग इसके आगे की कंसंट्रेशन टर्म्स देखना शुरू कर लेते हैं. सर, हाँ बोलो बोलो. सर, मेरे को पिछले वाले क्वेश्चन में बस एक चीज पूछनी है. बोलो बोलो. सर, आप एक बार जाओगे ऊपर? हाँ सर, यहाँ पे बेसिकली C2H6 को मोनोब्रोमिनेशन करने के बाद जो 90% प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और फिर उसका 85% प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसीलिए आपने मल्टीप्लाई किया है, राइट? यस. ओके, ठीक. तो अब ये क्वेश्चंस आप इस तरीके से मैप करना शुरू करोगे, आपके सामने जब आएंगे, ठीक है. सो मेक श्योर दैट यू आर मैपिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है. मैं आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कराता हूँ इस मैपिंग का, ठीक है. आई विल टेक आउट सम एक्स्ट्रा टाइम विद यू टू हेल्प यू प्रैक्टिस दिस, ठीक है. बट बिफोर दैट लेट मी एक्चुअली टेक अप अनदर important part of this chapter, that is concentration terms. ठीक है, stoichiometry वाला जो part है वो complete हो गया है. Stoichiometry वाला part मतलब अब हमें ये समझ में आने लग गया है reactions का analysis कैसे करना होगा, ठीक है. अब मैं आपको एक और additional चीज बताऊंगा, पढ़ाऊंगा. Which will be also a part of questions. ठीक है, स्टैंड अलोन क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर, बट मोस्टली रिएक्शंस में भी इसका रोल रहता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. ठीक है, क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स? पूरा चैप्टर आएगा दिव्य. सो दिव्य का क्वेश्चन है कि सर कहाँ तक PWT आएगा? जितना हम लोग सैटरडे तक पढ़ेंगे तब तक. सो यहां पर आप नोटिस करना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में कैसे बताया जा रहा है. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दे आर यूज्ड टू डिफाइन how much amount of solute is going to be present in a
सॉल्यूशन, राइट? सो कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग डिफाइन किसके लिए कर रहे हैं, यहाँ पर आप नोटिस करना, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए प्राइमरीली. व्हाट इज लिक्विड सॉल्यूशन? सो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ये टर्म्स आपने सुने हुए हैं पहले? यस सर. सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन होता है. यहां पर हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं. तो जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड फेज का होगा, ठीक है? सॉल्वेंट का लिक्विड फेज में होना मस्ट है. बाकी जो सॉल्यूट है वो आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? अब आप यहां पे नोटिस करोगे, ठीक है, फिर नोटिस द एग्जांपल, देन मुझे सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल दो. सॉलिड डिसॉल्व्ड इन लिक्विड. सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल दो. नहीं, वाटर ऑयल तो मिक्स नहीं होता है. अल्कोहल इन वाटर, दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है? व्हाट अबाउट गैस इन लिक्विड? Soda, like CO2 dissolved in water, that could be an example of gas in water. ठीक है, so आपको ये liquid solution के बारे में idea है. अब solution होता क्या है? It's a homogeneous mixture of two or more substances. ठीक है, and binary solution word जो होता है वो क्या कहलाता है? एक ही solute है और एक ही solvent है. Otherwise कैसा हो सकता है? एक सॉल्वेंट के अंदर मल्टीपल सॉल्यूट भी हो सकते हैं ना, लाइक मसाला कोल्ड ड्रिंक जो होगी उसमें पानी के अंदर CO2 भी डिसॉल्व होगा, कुछ शुगर, कुछ सॉल्ट, कुछ लेमन जूस, सब भी डिसॉल्व होगा ना. तो दैट विल नॉट बी एन एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी सॉल्यूशन. अ बाइनरी सॉल्यूशन इज टिपिकली यूज्ड एज अ वर्ड जब हम एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो होंगी वो किसके लिए डिफाइन होंगी, यहाँ पे नोटिस करना. दे आर डिफाइंड, दे आर डिजाइंड और डिफाइंड टू अंडरस्टैंड द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन अ सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिसॉल्व होता है वो चीज आइडेंटिफाई करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करी जाती है. ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं होता है तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं बता पाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ सॉल्ट लाइक AgCl, इज AgCl अ सॉल्युबल सॉल्ट? नो सर. ठीक है, तो जो उसका प्रेसिपिटेट अगर हम डाल देंगे पानी के अंदर तो हम उसके लिए फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं डिफाइन करते हैं, कि जो वो अनडिसॉल्वड वाला पार्ट जो है AgCl का उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन नहीं करी जाती है. ठीक है, जो डिसॉल्व हो जाता है, होमोजीनियसली मिक्स हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसी के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करी जाती है. ठीक है, ऑलराइट. अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्यों डिफाइन करी जा रही हैं वो हम एक एक करके समझते हैं. मल्टीपल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम डिफाइन करेंगे. द फंडामेंटल आइडिया इज कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि कितना क्वांटिटी सॉल्यूट का सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. ठीक है, अब आप मुझसे कह सकते हो कि सर अगर यही पता करना है कितना क्वांटिटी कितना प्रेजेंट है तो लाइक परसेंटेज के हिसाब से बता दो ना.
मतलब सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम का है और 10% सॉल्यूट है उसके अंदर, मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट होगा। तो ये बता तो दिया कितना सॉल्यूट कितना सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके लिए फिर और मेहनत क्यों करने की जरूरत है? व्हाई डू यू नीड टू डिफाइन ऐसे एक पूरा अलग सेट ऑफ टर्म्स कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स? वेल द रीजन वी डू दैट इज बिकॉज इट हेल्प्स अस इन सर्टन calculations, makes it much easier, makes it much simple to analyze. जब solution phase में reactions हो रहे होते हैं, ठीक है, कोई acid का solution, कोई base के solution के साथ में react कराएंगे, तो उन reactions का calculation in concentration terms की वजह से काफी easy हो जाता है। कैसे हो जाता है वो आपको examples के through देखने को समझने को मिलेगा भी सही, ठीक है? अभी के लिए लेट्स फर्स्ट स्टार्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म बाय कॉन्सेंट्रेशन टर्म, एक एक करके समझते हैं क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है। सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म देखेंगे हम लोग मोलारिटी। क्या होता है मोलारिटी, यहाँ पे नोटिस करना, मोलारिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है? यूनिट्स का खास ध्यान रखना, अगर हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख रहे हैं तो वॉल्यूम जो रहेगा वो लीटर में लिखना पड़ेगा। अगर हम मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख रहे हैं न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में लिखना पड़ता है, ठीक है? एक एक वर्ड को अच्छे से रीड करना, मोल्स किसके, सॉल्यूट के, ठीक है? वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है? ये सब वर्ड्स केयरफुली रीड करना, बाद में काम आएंगे। तो दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड एज मोलारिटी, ठीक है? अब वैसे तो जो मोलारिटी है वो किसके लिए डिफाइन करी जाती है, सॉल्यूट के लिए, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है? बट समटाइम्स जब लाइक एक ही सॉल्यूट होता है तो हम लोग कैसा कर देते हैं उसमें वर्डिंग्स में हम लोग इस तरीके से बोल देते हैं दैट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना है या इतना दिया जा रहा है, इतना पूछा जा रहा है। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसके अंदर 0.1 मोल HCl डाल रहा हूं, राइट, तो मुझे क्या बोलना चाहिए कि इस सॉल्यूशन के अंदर HCl की मोलारिटी कितनी होगी, 0.1, है ना, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। बट समटाइम्स हम लोग क्या बोल देते हैं जल्दबाजी में, एंड काफी क्वेश्चंस में ऐसे मिलेगा भी सही आपको, Rather than ऐसे writing HCl की molarity, कई बार ऐसे words में लिख देंगे solution की molarity 0.1 है। तो solution की molarity 0.1 का मतलब क्या हो गया कि वो HCl की molarity के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है? So don't get confused with such language, ठीक है? समझ में आया मैंने क्या बताया? Yes. Molarity हम लोग सल्यूट के बारे में बात करते हैं कि सल्यूट का कितना मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्वड है। बट समटाइम्स जल्द में, ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऐसा बोल देते हैं कि ये सॉल्यूशन जो है वो 0.1 मोलर है, तो उसका मतलब यही समझना कि जो सल्यूट है उसके बारे में बात करी जा रही है कि उसके कितने मोल्स डिसॉल्वड है पर लीटर इन द सॉल्यूशन, ठीक है? अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट बहुत सिंपल है, इट विल बी मोल पर लीटर। करेक्ट हर्ष, इसलिए मैंने लिखा ना बाइनरी सॉल्यूशन में, अदरवाइज फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना, आप सोचोगे किसका मोलारिटी के बारे में बात करा जा रहा है। बाइनरी मतलब सिंपल, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलर, ठीक है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करता है।
नोटिस करना ये जो मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है, ठीक है। किस तरीके से आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा, जैसे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वाटर, ठीक है, डिटरमाइन स्क्वायर ब्रैकेट में C6H12O6, व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज इट दैट आई एम आस्किंग यू टू डिटरमाइन, आई एम आस्किंग यू टू डिटरमाइन द मोलारिटी ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, निकाल के बताओ क्या आंसर है फटाफट। Let me know what is the answer coming. राइट, 0.1 मोलर आ गया इसका, 18 ग्राम मतलब 0.1 मोल है और 1 लीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, राइट, तो 0.1 मोलर आपका आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर 1 लीटर तो आपने पानी का वॉल्यूम दिया, राइट, अब उसमें मैं 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाऊंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या चेंज हो जाएगा? वेल, द आंसर इज चेंज होगा, ठीक है, बट नेग्लिजिबल रहेगा, ठीक है, तो चेंज वुड बी नेग्लिजिबल। तो यहां पर मैं कैसा मानूंगा कि अगर कोई सॉलिड या गैस को मैं डिसॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, मिक्स कर रहा हूं पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो आप वॉल्यूम चेंज को नेग्लेक्ट कर सकते हो, अनलेस क्वेश्चन में उसके बारे में बताया जाए, ठीक है। मतलब मान लो क्वेश्चन ऐसा बोले कि यू नो 18 ग्राम ग्लूकोज को हमने 1 लीटर पानी में डाला और उससे जो सोल्यूशन है वो 1.05 ml हो गया, सॉरी लीटर हो गया, तो फिर आप फिर भी उसको अकाउंट में लोगे, बट अदरवाइज यू विल जस्ट अज्यूम दैट जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर ही है। सर, isn't it like the glucose molecules will fill up the empty spaces in that water and hence the volume will not increase? हाँ, मतलब आइडियली स्पीकिंग वैसा होना चाहिए, आइडियली, ठीक है, बट प्रैक्टिकली जब देखा जाता है तो आप लोगों को बाद में पढ़ाएंगे, एक चैप्टर रहेगा अलग से पूरा लिक्विड सॉल्यूशन, तो उसमें देर आर आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, तो उसमें आपको बताते हैं कि मिक्स करने पर वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, वॉल्यूम कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, वो एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल चेंज होता है। ओके सर, बट उतना डिटेल में हम लोगों को अभी जाने की जरूरत नहीं है, वी विल जस्ट नीड टू बी वेरी सिंपल दैट सॉलिड या गैस अगर डिसॉल्व कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम वैसा ही मान लेंगे जैसा सॉल्वेंट का था, हार्डली एनी चेंज।
सर अगर लिख के आ गया कि चेंज हो रहा है तो फिर क्या करना है 1.05 सपोज हां तो फिर 1.05 यूज करना है देन दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अच्छा अपॉन 1.05 ओके ठीक है अच्छा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो All right. So, क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर इसमें हिंट यही है NaCl को जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो Na प्लस और Cl माइनस आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है वैसे ही MgCl2 को भी जब आप ब्रेक डाउन करोगे पानी में डालोगे तो Mg2 प्लस और Cl माइनस आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा है ना ऐसा हो जाएगा ना ये आपको आइडिया है ही सही नॉट समथिंग ओल्ड लेट्स अगर नहीं था तो चलो मैंने आपको बता दिया अब मुझे बताओ आंसर क्या रहेगा ठीक है गार्गी का हृदय का और दर्शन का तीन लोगों ने सही दिया बाकियों का गलत है नहीं पूर्वा नॉट करेक्ट All right. 0.4 molar will be the correct answer. आपने identify करा कि मुझे Cl minus निकालना है. Cl minus का molarity निकालना है. तो वो क्या हो जाएगा? Moles of Cl minus upon volume of solution. Right? Volume of solution तो directly दिया हुआ है 10 liter है. Moles of Cl minus निकालने पड़ेंगे ना मुझे. वो कहाँ कहाँ से आएंगे? NaCl और MgCl2 से तो कोई दिक्कत नहीं है. हमने analyze कर लिया.
NaCl 117 ग्राम दिया हुआ है, मतलब 2 मोल दिया हुआ है, ठीक है। अगर NaCl के 2 मोल्स है तो Cl- के भी 2 मोल होंगे, क्योंकि एक NaCl के अंदर एक Cl- रहता है। MgCl2 का 95 ग्राम दिया हुआ है, मतलब उसका 1 मोल दिया हुआ है, तो उसमें Cl- कितना आ जाएगा, 2 मोल। क्यों? क्योंकि एक MgCl2 में 2 Cl- है ना, एज पर द फॉर्मूला। तो टोटल मोल्स ऑफ Cl- आ गए 4, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, मेरा आंसर आ गया 0.4 मोलर, ठीक है। अब जिनका भी उटपटांग सा आंसर आ रहा था, वो या तो कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हैं, सिंपल सी चीज को बहुत ही घुमा फिरा दिया आप लोगों ने। तो इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते थे क्या कि हम पहले मतलब मैंने मास और उसका रिलेशन किया है, तो मतलब NaCl में लाइक 35.5 इज आउट ऑफ 58.5, सो हाउ मच विल बी आउट ऑफ 117 ग्राम्स। वैसे करो ना, मैंने आपको पहले भी मना करा है कि मैं मास मास एनालिसिस नहीं करता हूं, आई प्रेफर डूइंग मोल मोल एनालिसिस, बट इफ यू आर स्टिल स्टक टू दैट देन गो अहेड एंड डू दैट, आई डोंट माइंड। So, sir, will it come with that also, well? Answer आएगा, but उसको सही तरीके से apply करना पड़ेगा। Okay. वो आपके ऊपर है, that आप उसको सही तरीके से apply कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, मैंने तो जो आपको advice किया, वो यही prefer करा है कि अपन moles में analysis करा करेंगे। Mass दिया हुआ है, उससे moles निकालेंगे, moles से फिर बताएंगे कितने किसमें क्या moles होंगे। I apply unitary method या logic between moles. Not between mass. Although applying that would also get the answer, but that is not my choice. ठीक है? All right. चलो थोड़ा सा और मेहनत करवाते हैं आपसे, इस क्वेश्चन का आंसर दो। राइट, तो इसमें अब क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है हमको, वॉल्यूम और मोलारिटी दिया हुआ है, इनको कनेक्ट करता हुआ फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो इससे आपको मोल्स ऑफ FeCl3 मिल जाएंगे, राइट, क्योंकि FeCl3 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है ना। अब मोल्स ऑफ FeCl3 मिल गए, तो इससे आप मोल्स ऑफ Cl- आयन निकाल लोगे, क्योंकि पूछा तो उसी के बारे में, यू अप्लाई द यूनिटरी मेथड, है ना, 0.01 एंड उससे आ जाएगा 0.03 मोल्स। अब 0.03 मोल्स आ गए, तो उससे नंबर ऑफ आयंस निकाल लोगे आप, मोल्स को आप एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ आयंस आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आंसर?
यस ठीक है, आई थिंक काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा एक और क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। वो टॉफी का ड्राइंग नहीं है, वो एक स्टूडेंट है जिसके कान खड़े हो जाने चाहिए व्हेन दे हियर द वर्ड मिक्सिंग। बिकॉज इट विल हेल्प यू अवॉइड केयरलेस मिस्टेक्स। ठीक है, तो इसमें जैसे चित्राक्ष ने और प्रणव ने केयरलेस मिस्टेक कर दी है, पूर्वा ने फिर भी आइडेंटिफाई कर लिया है, पूर्वा है सक्सेसफुली अवॉइडेड दैट केयरलेस मिस्टेक, ध्रुव ने तो पता नहीं क्या करा है, कुछ और ही कर डाला है, ध्रुव हैज मेड अनदर केयरलेस मिस्टेक, समथिंग डिफरेंट। I think I know what is that careless mistake. और भी लोग बताओ आंसर भाई। हाँ हर्ष,
ऑलराइट, सो यहाँ पर अब आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया है, द करेक्ट आंसर विल बी 0.25. ठीक है, इसमें आप क्या क्या केयरलेस मिस्टेक कमिट करते हो ध्यान से नोटिस करना. ठीक है, सो यू हैव Cl- आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, मतलब मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. ठीक है, दैट इज वॉट यू नीड टू डू. अब यहाँ पर एक आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर सोल्यूशन NaCl का और एक 0.2 मोलर सोल्यूशन MgCl2 का. ठीक है, इक्वल वॉल्यूम बोला है, इक्वल वॉल्यूम तो हम लोगों ने इसका वी लीटर और इसका वी लीटर मान लिया. तो यहाँ पर ये ध्यान देना दैट जो डिनोमिनेटर है वो 2V हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम विल बिकम 2V. Sometimes that is a mistake that students make. और numerator जो रहेगा moles of chloride ions, वो यहाँ से respectively आएंगे NaCl से और MgCl2 से, उनको हम add up करेंगे. So NaCl से कितने आ रहे हैं, molarity into volume से moles of NaCl आ जाएंगे और एक NaCl के अंदर एक chloride है. Again molarity into volume से moles of MgCl2 आ जाएंगे. And यहाँ पे I think किसने, ये हृदय तुमने पहले यहीं पे mistake करी थी, I think. नहीं, ध्रुव ने, तो आपको सीएल माइनस के मोल्स आ जाएंगे, वो आएंगे 0.5V. अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, 0.5V अपॉन 2V दैट इज 0.25 मोलर. ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा. सर आप मिक्सिंग के थ्रू क्या बोलना चाह रहे थे, कौन सी मिस्टेक? वॉल्यूम डबल हो जाता है. अच्छा, ओके. ठीक है, मिक्सिंग हुई तो वॉल्यूम डबल हो गया ना डिनोमिनेटर में. सम स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर एज 0.5 मोलर ओनली बिकॉज़ दे डिडंट रियलाइज कि इक्वल वॉल्यूम मिक्स करना है. लाइक उन्होंने अज्यूम करा कि इसका 1 लीटर, उसका 1 लीटर और फाइनल वॉल्यूम भी 1 लीटर ही मान ली. Okay, so you'll have to avoid that. Then only you will be able to get the correct answer. Okay, समझ में आया ये सबको? ठीक है, यहां तक का पार्ट क्लियर है? ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं डिस्कशन. ठीक है, कल की क्लास में मैं वापस से यहीं से कंटिन्यू करूंगा विद द मोलारिटी. इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊंगा. कॉन्सेप्ट क्योंकि बहुत आसान है, इसमें आपको केयरलेस मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है वो सीखना जरूरी है. सो वंस वी आइडेंटिफाई दैट, वंस वी वर्क विद दैट, देन मैं आपको आगे की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बता दूंगा. ठीक है सर, कुड यू गो टू द FeCl3 क्वेश्चन? हाँ, FeCl3 क्वेश्चन पे आ जाओ. सर यहाँ पे ये 0.1 जो आता है कलने के बाद 0.1 to 0.1, वो FeCl3 का मोल्स होगा ना? मैंने मोल्स ऑफ Cl माइनस लिया था उसको. नहीं नहीं, आपको जो 0.1 मोलर बोला है वो किसका बोला है? ओके, तो डिनोमिनेटर में वही आएगा फिर. मतलब जो दिया है कॉन्सेंट्रेशन वो किसका दिया है? FeCl3. तो वही तो मैं यूज करूंगा ना, दैट इज व्हाट आई विल राइट, दैट FeCl3 का कंसंट्रेशन इज 0.1 मोलर. बट सर दैट इज इन द सॉल्यूट ना, मतलब न्यूमरेटर में सॉल्यूट का मोल्स आता है ना. हां तो वही तो है ना, ये सॉल्यूट है ना, FeCl3 मेरा सॉल्यूट है, उसी का तो मोल्स न्यूमरेटर में लिखा है. अच्छा, सो यहां पे सॉल्यूशन किसका है, सॉल्वेंट क्या है? वाटर, वाटर या जो भी होगा, कुछ और भी हो सकता है, मेंशन नहीं करा, बट टिपिकली वाटर ही रहता है. सो फॉर अ मिनट कैन यू आल्सो गो टू द फेज फाइबर रिटन द फार्मूला? कौन सा वाला फार्मूला? मोलारिटी का. मोलारिटी का फार्मूला, ऑलराइट. हां, और नीचे वॉल्यूम लीटर में लिखा है तो भी आपको मोलारिटी मिलेगा, या फिर ऊपर मिलीमोल्स और नीचे वॉल्यूम इन ml में लिखा है.
तो भी आपको मोलारिटी मिलेगा. ओके थैंक यू. सो मिलीमोल इज समथिंग लाइक 0.1 इनटू Na. नहीं नहीं 10 की पावर मिली मिली तो सबस्क्रिप्ट होता है ना ये, हम लोग मिलीमीटर क्या होता है, व्हाट इज 1 मिलीमीटर. 10 की पावर माइनस 3 कट जाएगा ना ऊपर नीचे, तो 1 हां 1 मिलीमोल विल बी 10 की पावर माइनस 3 मोल. ये मिली तो सबस्क्रिप्ट होता है ना जो कि हम लोग, हां सर, मिली ग्राम, मिलीलीटर, मिलीमीटर, लाइक सब क्वांटिटीज के लिए यूज करते हैं, लेंथ, मास, वॉल्यूम. हाँ क्या कह रहे हो हर्ष? नहीं मतलब हर्ष का क्वेश्चन है सर, डिड यू सॉल्व अदर बुक्स अदर देन बंसल नोट्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? मैंने बंसल के जो मटेरियल है उसके अलावा कुछ और करा ही नहीं था इन केमिस्ट्री. मैथ्स एंड फिजिक्स में यस देर आर सर्टन अदर बुक्स दैट आई यूज टू सॉल्व, बट इन केमिस्ट्री स्पेशली ये फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैंने कोई बुक करी नहीं थी. I used to just rely on class ka discussions and jo booklet aur question bank class mein milta tha, DPP question bank assignment, wo main rigorously acche se solve karta tha and it was more than sufficient. Okay, so you don't need to bother too much about yahan se karna hai wahan se karna hai. Aapko jitna mil raha hai class ke examples jo main DPPs aur booklet ke questions aapse solve kar raha hu, agar aap wahi dhang se kar loge, ठीक है, एक हाइड्रेशन दो हाइड्रेशन उनके अच्छे से कर लोगे तो यू आर इन अ गुड पोजीशन. ठीक है, उनमें आपके डाउट्स वगैरह नहीं रहने चाहिए, वो सब क्लैरिफाइड रहने चाहिए अच्छे से. सो कैन आई आस्क यू समथिंग रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन? हाँ हाँ बोलो ना. सर जो आपके रेगुलर एग्जाम्स होते थे आपके इंस्टीट्यूट में, उसमें सब में क्या आपको मतलब लाइक फर्स्ट टॉप 5 वैसे ही रैंक आता था बिकॉज़ यू गॉट इनटू आईआईटी बॉम्बे? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं. सो इनफैक्ट आई वाज इन बंसल क्लासेस इन कोटा बैक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एग्जामिनेशन. और उस टाइम पर आई थिंक मैंने आपके साथ ये शेयर करा होगा दैट बंसल क्लासेस अपने पीक पर था. Like the competition was super intense. मतलब उस ईयर में जिस ईयर में मैंने एग्जाम दिया था IITs की रैंक लिस्ट जो है वो कुछ 4,500-5,000 तक आती थी. ठीक है, इतने बच्चों का वो रैंक निकालते थे और अकेले बंसल क्लासेस ने कोटा से 1,600 सिलेक्शंस दिए थे. सो दैट वॉज द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन दैट वॉज देयर एंड इन दैट कॉम्पिटिशन आई वॉज I started from the first batch, वहाँ पे rank wise batch बनते थे, but then I fell down to fourth batch, then I came to third batch, then I stayed in third batch for a long time, then I went in the second batch, and finally मैं second batch में ही था उधर, first batch में भी नहीं था, and a batch का strength is almost around 100 students, ठीक है, so ऐसा नहीं था that मतलब बंसल के टॉप बैच में मैं पढ़ रहा था या बंसल के टॉप स्टूडेंट्स के बीच में था. ठीक है, बट यस माय परफॉर्मेंस यूज्ड टू बी प्रीटी कंसिस्टेंट. मतलब ऐसा नहीं रहता था दैट एक टेस्ट बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया और एक टेस्ट में ऐसे लक चल गया. राइट, इट वॉज लाइक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता था बट मोर और लेस इट वॉज अ स्टेडी परफॉर्मेंस विच improved gradually. Okay, and I think one of the big things that happened with me was my revisions were very structured. Mere revisions bahut acche tarike se hote the because maine starting se hi cheezon ko structure mein organized tarike se rakha tha. I think that was one of the big things that helped me because a lot of students jo mere school ke the, matlab in my school ka 10th class ka result, I was not even in the like top 10 of my स्कूल का क्लास का सेक्शन. मतलब मैं तो ये भी नहीं बता रहा, 10th क्लास में जैसे हमारा ABC 3 सेक्शन थे स्कूल में, तो उसमें और उसमें ऐसे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था, उसमें ABC का कोई ऐसा रैंक वैंक से लेना देना नहीं था. ठीक है, इट वाज अ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ओनली. तो मैं अपने सेक्शन के भी टॉप 10 बच्चों में नहीं आया था.
in the 10th class ka board examinations. It was not something which I also did well in the exams, but जो मेरे बाकी के टॉपर्स थे क्लास के, उनमें से सिर्फ दो लोगों का और का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, बाकियों का तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ था IIT के एग्जाम में. एंड इट वॉज बिकॉज इट वॉज नॉट जस्ट द इंटेलिजेंस पार्ट दैट हेल्प मी, ठीक है, इंटेलिजेंस थी, इतनी ज़्यादा स्टेलर नहीं थी कि मतलब लगे कि हाँ भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट इट वॉज समथिंग दैट आई कंसिस्टेंटली पुट दैट एफर्ट इन डे टू डे मैनर. मतलब मुझे पढ़ने में मज़ा आता था, मतलब आई फ्रॉम माई साइड यूज टू प्रायोरिटाइज. मतलब मेरे घर वाले बोलते थे कि इधर घूमने जाना है, उधर ये करना है, इधर रिश्तेदार के यहाँ जाना है, उसकी शादी में जाना है, आई यूज टू टेल नो, मेरे को जाना ही नहीं है. मतलब मुझे मेरा एक प्रोसेस समझ में आ गया था कि मुझे क्लास अटेंड करनी है सिंसियरली, क्लास का रिविजन करना है, क्लास का रिविजन करने के बाद में जो होमवर्क दिया है उसको हाथों हाथ प्रैक्टिस करना है और अपने डाउट्स क्लैरिफाई कराने हैं. मैं इतना बेसिक भी कर रहा था तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती थी. डेफिनेटली देर यूज टू बी सम इंस्टेंसेज जहाँ पर मैं स्ट्रगल करता था, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो डिफिकल्ट लगती थी, बट देन एक मेरा थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड भी था कि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती थी फिर मैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं खा पाता था. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके साथ में अभी एक्सपर्टीज अटेनर है, अगर आप उसके टेंशन लेने लग जाओ कि और ये एक्सपर्टीज अटेनर नहीं हो रहा, इसका ये सवाल वो डिफिकल्ट सवाल, ठीक है, तो मैं उस डायरेक्शन में ज़्यादा जाता ही नहीं था. आई लाइक कि नहीं हो रहा और सर भी बोल रहे हैं कि डिफिकल्ट है, मतलब जेई से भी ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, तो ठीक है अभी नहीं हो रहे हैं, बाद में हो जाएंगे, तो अभी मैं इसके बारे में इतना टेंशन नहीं लूँगा, ठीक है. दूसरा, मैं बुक्स के पीछे ज़्यादा नहीं भागता था. मतलब आई डोंट रिमेम्बर बाइंग ये बुक वो बुक, ऑल्दो मेरी जो कज़न दी थी उनका खुद का सिलेक्शन हुआ था तो उन्होंने लाइक बंच ऑफ बुक्स मुझे दिए थे कि इनको रेफ़र कर लेना, देख लेना, बट आई रिमेम्बर मतलब मैथ्स और फिजिक्स के लिए फिर भी मैंने देखा था, केमिस्ट्री के लिए आई डिडंट रियली बॉदर मच विद दोज बुक्स. जो क्लास में पढ़ाते थे उसी को ढंग से आगे करके समझ के पढ़ता रहता था. आई यूज टू मेक श्योर दैट यस, जो मेरे को क्लास का मटेरियल दिया गया है, जो मेरे को बुकलेट दी हुई है, जो मेरे को क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, DPPs दी हुई हैं, वो मैं अच्छे से कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, डाउट्स अपने क्लैरिफाई करता था, ठीक है, दोस्तों से पूछ के करता था, टीचर से पूछ के करता था, बट आई यूज टू मेक श्योर कि यू नो बैकलॉग्स नहीं रहे, ठीक है. तो वो प्रोसेस में जब मैं आया, ठीक है, और ये प्रोसेस में मुझे टाइम लगा आने में, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से मुझे लाइक ये प्रोसेस सेट हो गया था. आप ये मान के चलो जब स्टार्टिंग में मैं बैच वन में था, 2 महीने 3 महीने, तो मैं बहुत ही लाइक एकदम हवा में रहता था कि अरे बंसल के बैच वन में हूँ, फलाना ढमकाना. और फिर सीधे जब सेग्रीगेशन हुआ टेस्ट के बाद में, मैं सीधे बैच 4 में लैंड अप करा, तो मुझे थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि नहीं, ज़्यादा हवा में चला गया था, ठीक है. तो मुझे एटलीस्ट 6 महीने लगे थे टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यू नो दिस प्रिपरेशन फॉर JEE इज नॉट जस्ट अबाउट इंटेलिजेंस, इट इज अबाउट इंटेलिजेंस प्लस हार्डवर्क. एंड ऑफकोर्स देर वर दीज एग्जाम्पल्स अराउंड मी ऑल्सो जिनसे मैंने बातें करी थी और समझा था. मतलब 75-80% वाले जो बच्चे थे जिनको बोर्ड्स में 75-80% आए थे, मेरे कुछ कजिन्स थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ हुआ था. तो आई वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स कि आखिर ये है क्या, मतलब वो जो स्कूल के टॉपर है वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, बट जिनका बोर्ड्स में 75-78% आया वो सिलेक्ट हो जा रहे हैं. एंड देन आई अंडरस्टूड दैट इट इज नॉट जस्ट अबाउट दिस इंटेलिजेंस वाला फैक्टर कि मुझे समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, मुझे उसमें उस प्रोसेस में ढलना पड़ेगा, ठीक है. कॉन्शियसली मुझे उसमें एक मच्योरिटी दिखानी पड़ेगी. आई हैव टू एलिमिनेट माई डिस्ट्रैक्शंस. मतलब मेरे दोस्त जो क्लोज फ्रेंड्स थे उनका खास पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो मतलब उस टाइम पर बास्केटबॉल में घुस गए थे. एंड मेरे स्कूल की बास्केटबॉल टीम एक्चुअली बहुत अच्छी भी थी, मतलब इट एक्चुअली वन CBSE क्लस्टर्स. मतलब एक आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर अबाउट इट, बट देर इज दिस CBSE नेशनल लेवल पर इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है जिसमें स्कूल की टीम को पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जीतना होता है, फिर स्टेट लेवल पे जीतना होता है, फिर नेशनल लेवल पे जीतना होता है. तो मेरे स्कूल की टीम इतनी अच्छी थी कि वो नेशनल लेवल क्लस्टर्स जीते हुए थे एंड मेरे दोस्त उसमें इन्वॉल्व थे. एंड जो क्लोज दोस्त थे वो लोग क्या है, फिर उसमें मतलब लाइक ऐसे ही चेयर लीडिंग करने के लिए भी जाते थे कि भाई स्कूल की टीम है, शाउटिंग हाउलिंग करेंगे, मज़ा आएगा और फलाने का. आई वाज लाइक कि नहीं, मेरे को ये सब नहीं करना है, मतलब इट डजंट लाइक सॉल्व एनी पर्पज फॉर मी, ठीक है. कॉन्शियसली मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर होता रहा. TV देखना है तो TV भी मतलब ऐसा होता था, इट यूज टू बी समथिंग लाइक कि बस ऐसे ही लाइक स्ट्रेस बस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया. मतलब मैं कोई भी ऐसे सीरियल या कोई भी कार्टून फॉलो ही नहीं करता था, बिकॉज आई न्यू कि उसको अगर मैं फॉलो करूंगा तो मेरा दिमाग उसमें जाएगा
अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दूंगा। तो मैं टीवी भी ऐसे देखता था कि मतलब रैंडमली कुछ देख लिया, बस ऐसे खाना खाते खाते या बातें करते करते या थोड़ा बहुत बस स्ट्रेस बस्ट करने के लिए। अदरवाइज आई यूज टू लाइक कॉन्शियसली फिगर आउट माई टाइम कि हाँ भाई पहले ही मेरी प्रायोरिटी ये चीज़ है वो करना है, एंड दैट इज द काइंड ऑफ रिगर विच एक्चुअली चेंजेस योर जर्नी। वो रिगर अगर आप नहीं डेवलप कर पाओगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस के बेसिस पे आगे बढ़ना मुश्किल रहेगा, एंड वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। मतलब एट टाइम्स आपको लगता है कि सारा जीवन ही झंड हो गया। दैट फीलिंग कम्स बिकॉज यू आर एब्स्टेनिंग फ्रॉम एवरी सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट। लाइक यू वुड रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग आउट, यू विल रिफ्रेन फ्रॉम सोशल इंटरेक्शंस। ठीक है, मतलब आपके टाइम पे तो अब बहुत सारी चीजों का फैड था, जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे ऑर्कुट करके एक सोशल नेटवर्क का बहुत फैड था। मतलब जैसे अभी स्नैपचैट इंस्टाग्राम इन सब का है। मतलब इमेजिन इफ आई आस्क यू कि यू शुड नॉट हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट, यू शुड नॉट हैव एन ऑर्कुट ये स्नैपचैट अकाउंट, यू वुड बी लाइक कि यू नो सर ये क्या बात कर रहे हो, मतलब जिंदगी नहीं जिए क्या। ठीक है, बट आई टुक दैट कॉन्शियस कॉल एट दैट पॉइंट इन टाइम कि मुझे ये ऑर्कुट पे अकाउंट बनाने का ही नहीं है। ठीक है, ऑल्दो मैंने बनाया था बट देन आई रियलाइज इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। तो आई वाज लाइक कि मतलब आई विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज इट इज सो मच ऑफ लाइक इट ऑक्यूपाइज सो मच ऑफ बैंडविड्थ। यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि अरे वो क्या सोच रहा है, वो लड़की क्या सोच रही है, उसने उसका क्या टेस्टिमोनियल लिखा, वो इसकी फ्रेंड है, हाउ डज शी हैव एन ओपिनियन अबाउट ये इतना, क्योंकि आपकी एज में ये सारा बहुत चीजें होता है। ठीक है, यू गेट सो मच कॉन्शियस अबाउट योर सराउंडिंग्स दैट दोज डिस्ट्रैक्शंस हैविली यू नो प्ले ऑन योर हेड। ठीक है, एंड टू कीप दोज डिस्ट्रैक्शंस एट बे इज अ मच बिगर चैलेंज एज कम्पेयर टू यू नो स्टडिंग। ठीक है, स्टडिंग में तो क्या है कि मतलब आपको गाइड कर दिया, बता दिया ऐसा कर लो, ये कर लो, वो टास्क कर लो। ठीक है, वो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने की जो कॉलिंग है वो अंदर से ही आती है। ठीक है, वो भले पापा मम्मी कितना ही बोल लें, टीचर्स कितना ही बोल लें, बड़े कजिन्स या फ्रेंड्स जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कितना ही बोल रहे हैं, अगर वो अंदर से कॉलिंग नहीं आ रही है कि आई हैव टू बी मच्योर अबाउट माई प्रिपरेशन, आई हैव टू एलिमिनेट दीज डिस्ट्रैक्शंस, देन नोबडी कैन एक्सटर्नली हेल्प यू। ठीक है, वो मोटिवेशन अंदर से ही आना चाहिए कि मुझे तो एफर्ट डालना है। होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन वो बात की बात है, बट आई नीड टू पुट माई ऑनेस्ट एफर्ट्स इन टू दिस सिचुएशन। सो ये मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है, थोड़े बहुत धोखे भी खाने पड़ते हैं। ठीक है, समटाइम्स यू हैव टू गो थ्रू दोज फेजेस आल्सो, बट आई थिंक यस दैट इज द शॉर्ट समरी ऑफ व्हाट इज इम्पोर्टेंट अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग एकेडमिकली प्रोफिशिएंट। यू नीड टू हैव दीज बेसिक्स आल्सो राइट विद यू, एंड ये नोटिसेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं of all the successful candidates you will come across. Okay? Most of them, in fact, all of them to nahi bolna chahiye. Kuch hote hain aise, jo kuch padhte nahi hai, phir bhi unki rank aati hai. I don't know kaise wo laate hain. Mujhe to aaj tak samajh mein nahi aaya. Theek hai, hain mere kuch dost aise. Matlab wo kuch padhte likhte nahi hai, but unki ranks aa jaati hai, mere ko samajh mein nahi aata ki tum log karte kaise ho. Ab pata nahi wo matlab dikhate kuch aur hai ya karte kuch aur hai. Pata nahi padta exactly kya ho raha hai, but वो होते हैं। मतलब उनका देख के ऐसा लगता है कि यार ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, बट इसका रैंक तब भी अच्छा आ रहा है। मतलब तो सी यू विल हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर। ठीक है, आई रियलाइज फॉर माई सेल्फ दैट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो एक बार में पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाता था। आई नीडेड दोज रिविजन्स। मैं क्लास में पढ़ने के बाद में आके दोबारा रिवाइज करता था कि आखिर पढ़ाया क्या है, हाउ डज इट कनेक्ट विद वॉट हैज बीन टॉट इन द चैप्टर। And I used to spend that time and effort. It used to be such a like boring thing to do in the beginning, but बाद में वो मेरा process बन गया। मैं वो नहीं करता था तो मुझे लगता था कि यार मतलब आज का दिन अधूरा रह गया। ठीक है, और वो कोटा फैक्ट्री में आपने देखा होगा ना, आदत बनाने में मतलब कैसा कितना दिन लगता है? 21 days. हाँ, तो वो एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है। मतलब आपको अपनी आदत चेंज करने में वो एक पीरियड डालना पड़ता है टू एलिमिनेट दैट डिस्ट्रैक्शन। मतलब अगर आपको चाय में शक्कर नहीं डालनी है तो आप 21 दिन तक चाय में शक्कर नहीं डाल के पियो,
और 21 दिन के बाद में आपको फिर चाय में बिना शक्कर के ही अच्छी लगने लगेगी। फिर कोई शक्कर डाल के दे देगा तो आपको लगेगा कि अरे मतलब वो बिना शक्कर वाली बढ़िया थी, हेल्दी। अरे नई बात हो गई, अभी 1.5 साल से घर पे बाहर निकलने का ही मन नहीं करता। हाँ, सो इसमें ये सब एस्पेक्ट्स हैं, विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज सम लेसन्स यू लर्न द हार्ड वे, सम लेसन्स यू लर्न डायरेक्टली। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। इफ यू डोंट माइंड कैन आस्क अ क्वेश्चन। बोलो बोलो सर। वाज देयर एनी रैगिंग इन आईआईटी एट दैट टाइम? वाज देयर एनी व्हाट? रैगिंग। रैगिंग इन आईआईटी? यस, मतलब सेकंड ईयर में होती है, एक्चुअली फर्स्ट ईयर में नहीं होती है। फर्स्ट ईयर तो मतलब आफ्टर दैट सुप्रीम कोर्ट का रूल केम इन दैट रैगिंग इज समथिंग व्हिच इज not just frowned upon, it will be criminally dealt with. तो उसके बाद से first year के बच्चों को तो बहुत ही ऐसे प्यार से pamper करके रखा जाता है, because अगर first year का बच्चा complain कर दे senior के against, तो senior को direct semester suspension मिल जाता है, मतलब उसका point of view hear भी नहीं करा जाता है। तो first year के बच्चों के साथ में ragging नहीं करी जाती। जब first year में थोड़ा सा बच्चे like समझ जाते हैं कि हाँ system कैसा है क्या है, तो yes सेकेंड ईयर में आईआईटीज में रैगिंग होती है। ओह, दैट इज नॉट द काइंड ऑफ रैगिंग जो आप लोगों ने सुनी होगी, मतलब दोस रैगिंग लाइक मारा पीटी करना या कपड़े उतरवा देना, वो सब वैसी वाली टाइप की रैगिंग होती है। देयर आर सम अदर वेज ऑफ लाइक फन येट समथिंग जिस पे सामने वाले की इज्जत उतारी जाती है। ठीक है, इज्जत जरूर उतारी, यू विल फील इंसल्टेड, दैट इज फॉर श्योर, नॉट इन दोस वेज व्हिच आर अनएक्सेप्टेबल। Yeah. Okay, sir. Thank you. तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे सीनियर्स वगैरह कैसे हैं, क्या ग्रुप में हैं। Sometimes you get really good seniors, sometimes you get those seniors जिनको फिर अवॉइड करने के लिए आपको लाइक ढूंढना पड़ता है कि अरे अरे वो लाइक स्टेयर्स क्रॉस कर रहे हैं, भाई अभी मत निकल, थोड़े 5-10 मिनट बाद निकल। तो वो सब चीज़... And you would call your seniors sir and ma'am, right? नहीं नहीं नहीं, वैसा आईआईटी में नहीं है, मतलब लाइक एटलीस्ट आईआईटी बॉम्बे में यू डोंट कॉल भैया दीदी सर या मैम। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आपका करके जरूर बात करते हैं, लाइक तू करके नहीं बात करते, आप करके बात कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि भैया या सर ऐसा करके बोलना पड़ता है, नहीं। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन कैसे करना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन मतलब काफी सिंपल रहेगा अगर आपने बेसिक्स फॉलो करे हैं तो। हैव यू मेड द फॉर्मूला शीट? अगर आपने फॉर्मूला शीट बनाई है तो वहां से आपका थ्योरी वाले पार्ट का रिवीजन हो जाएगा, दैट विल बी लाइक 20% ऑफ द जॉब डन। देन जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करे बुकलेट से डीपीपी से राइट, तो आपने उसमें जो क्वेश्चन आपसे हुए थे नहीं हुए थे, जिनमें आप अटक गए थे या जिनमें कुछ ट्रिक्स वगैरह ट्रैप्स वगैरह थे, तो वो आपने हाईलाइट करे होंगे, स्टार मार्क करे होंगे, तो वो आपके शॉर्टलिस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ ऐसे 70-80 क्वेश्चन आपके होंगे इन द बुकलेट व्हाइल यू वुड हैव प्रैक्टिस्ड, तो वो आपके लिए रिविजन क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कि इन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई कर लेंगे, देख लेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में कैसे कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे। ठीक है, एंड देन फाइनली आप प्रैक्टिस पेपर दे दोगे। ठीक है, सो यू विल ओपन पनीशिया और वहां से आप एक टाइम्ड मैनर में प्रैक्टिस पेपर दोगे, तो आपको आइडिया लगे कि ईजी मीडियम डिफिकल्ट क्वेश्चन में कैसे नेविगेट करना है। ठीक है, यू शुड नॉट गेट स्टक विद द डिफिकल्ट क्वेश्चन, लीव देम इफ पॉसिबल, ओनली focus that easy and medium questions पहले हो जाएं, बाद में time बचे तो difficult questions के लिए try करना है। ठीक, यही strategy होती है, standard है, हर chapter में यही करना होता है। So where are these practice papers, like what site is it? Panisha का access नहीं है तुम लोगों को? जिधर हम test देते हैं वो वाला। हाँ, तो उसपे थोड़ा navigate करना ना, वहाँ पे ऐसे practice papers मिलते हैं topic wise। Okay. Although, उनमें भी थोड़े थोड़े एरर्स होते हैं, बट इट्स ओके, मतलब
प्रैक्टिस तो हो ही जाती है आपकी। ठीक है, समझ में आया हर्ष क्या करना है? अब बताओ मुझे, तुमने फॉर्मूला शीट बनाई है कि नहीं बनाई है? हाफ चैप्टर की, तो हाफ नंबर लाने का तुम्हें, हाफ चैप्टर की फॉर्मूला शीट बना के क्या करोगे तुम? बुकलेट अटेम्प्ट करी है पूरी? सर मोल कॉन्सेप्ट क्यों है अभी? अरे तुम अभी रुक जाओ ना, जेनिथ सेवेंथ में चल रहा है। ओह अच्छा, तो एडवांस का तुमने पूरा बुकलेट भी अटेम्प्ट नहीं करा, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? जो बेसिक्स हैं वो तो विल हैव टू टेक केयर ना, अदरवाइज कैसे काम चलेगा? आपको मतलब जितना पढ़ाया जा रहा है, जितना आस्क करा जा रहा है, इतना टास्क करो उतना तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, एंड धीरे धीरे रियलाइज होगा। ठीक है, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आई फाइंड आर लाइक पिच परफेक्ट फ्रॉम डे वन। धीरे धीरे दे अंडरस्टैंड सर्टेन लेसन्स। ठीक है, एक्सपर्टीज अटेनर का नहीं कह रहा हूँ मैं हर्ष, एक्सपर्टीज अटेनर नहीं भी करा तो भी चलेगा, बट रेस्ट ऑफ द बुकलेट जो विंडोज वाला सेक्शन है, गेट इक्विप वाला सेक्शन है, वो सब तो आपको करना चाहिए ना अच्छे से अटेम्प्ट। उसके डाउट्स क्लैरिफाइड रहने चाहिए, शॉर्टलिस्टेड रहने चाहिए अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, देन यू विल नॉट वरी अबाउट रिविजन्स अ लॉट, देन यू विल बी स्ट्रक्चर्ड विद योर रिविजन्स। ठीक है, चलो ऑल राइट, आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। Thank you. Bye bye.